नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा 92 से कॉलम पेश है ऊंट की जबान और लोमड़ी का इंतजार। कॉलम निगार हैं रऊफ क्लासरा और आवाज है मलिहा अमीन की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। हो सकता है दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के नतीजे में होने वाली तबाहियों, इंसानी जानों के नुकसान या फिर करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने और आलमी मईशत पर मुरतब होने वाले असरात से परेशान हो, या फिर लंदन से न्यूयॉर्क तक मेयर परेशान हो कि दोबारा नॉर्मल जिंदगी की तरफ कैसे लौटा जा सकता है। बच्चों की तालीम का नया सिस्टम क्या होगा, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज कैसे खुलेंगे, हवाई सफर दोबारा कैसे शुरू किया जा सकता है, महफूज तरीके से बाजार कैसे खोले जा सकते हैं, बेरोजगारों को दोबारा रोजगार पर कैसे लगाएंगे, खरबों डॉलर्स के नुकसान कैसे पूरे होंगे और सबसे बढ़कर ये कि इस वायरस की वैक्सीन कब तैयार होगी। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों और सियासी अशराफिया की तरजीहात मुलायजा तो फरमाएं कि ये लोग इस बहरान से भी जाती और सियासी मफादात उठाने के चक्कर में हैं। हुकूमत इंकारी है लेकिन अंदर की बात यही है कि हुकूमत अपोजिशन पार्टियों से रबते में है कि 18वीं तरमीम खत्म की जाए और बताएं वो इसकी क्या कीमत लेंगे। किसी समझदार का कौल है कि बहरान जहां बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर आता है, वहीं बाज़ समझदार लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका भी बन जाता है कि वो ज़ाती मफादात उठा लें या इस बहरान से निमट कर अपना कद बड़ा कर लें। अभी देख लें कि कोरोना पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ी दहशत है लेकिन हुक्मरान जमात अंदर खाते अपोजिशन वालों के साथ ये तय करने में लगी हुई है कि 18वीं तरमीम पर उनका तआवुन चाहिए और उनके बदले वो क्या चाहते हैं। शेख रशीद और शहबाज शरीफ के टीवी इंटरव्यूज आप सुन लें तो अंदाजा हो जाएगा कि इस आलमी बहरान के नतीजे में जहाँ पूरा जहाँ परेशान है वहाँ हमारी तरजीहात क्या है। हुकूमत के एक अहम वजीर का नाम लिया जा रहा है कि वो शरीफों और जरदारियों से राबते कर रहे हैं। इसी वक्त इस सियासी अशराफिया की तरजीह कोरोना वायरस नहीं बल्कि तरमीम है जो उनके ख्याल में 6 माह मजीद इंतजार नहीं कर सकती। कोरोना इंतजार कर सकता है लेकिन तरमीम अभी होना जरूरी है। सबसे बड़ा लतीफा यह है कि वजीर आजम साहब ने तंज फरमाया है कि पाकिस्तानी अशराफिया ने बड़ा जुल्म किया और लॉकडाउन कर दिया कि गरीबों की वजह से वो वायरस का शिकार ना हो जाए। हैरान हूँ कि वो कौन सी अशराफिया है जिसने वजीर के हुकुम के बरक्स मुल्क पर लॉकडाउन मुसल्लत कर दिया। ये बात कोई ऑपोजिशन लीडर करे तो समझ में आता है लेकिन जब वजीर आजम खुद से ऊपर किसी अशराफिया का वजूद मानता हो जो उनके अहकामात की परवाह नहीं करती तो फिर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हालात कहां जा पहुंचे हैं। वैसे अगर वजीर आजम की मर्जी के बगैर लॉकडाउन कर दिया जाता है तो उनको फिर क्या करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब अपोजिशन में होते तो यकीन करें वो फौरन ऐसे वजीर आजम से इस्तीफा का मुतालबा करते लेकिन क्या करें वो इस वक्त ये मुतालबा करने की पोजीशन में नहीं क्योंकि वो तो खुद ही वजीर आजम है। अभी यही कहा जा रहा है कि हाउस ऑफ शरीफ 18वीं तरमीम में तब्दीलियों की हिमायत इस शर्त पर करने को तैयार है अगर उनके खिलाफ एहतसाब के सब मुकदमात खत्म कर दिए जाएं। शरीफ खानदान खुशकिस्मत रहा है कि हर दफा उन्हें कोई ना कोई डील मिल ही जाती है और गालिबन अब भी मिल जाएगी। पिछले साल एक और तरमीम लाई गई थी जिसके तहत आर्मी चीफ की मदद मुलाजमत में तौसीक की गई। वही पार्टी जो वोट को इज्जत दो के नारे मार मार कर थकती नहीं थी वो भी बढ़ चढ़ कर वोट डाल रही थी और बदले में अपने जेल में बंद चंद साथियों की जमानत पर राजी हो गई। सियासतदानों की एक खूबी होती है, ये मौके की तलाश में रहते हैं और इससे बड़ी खूबी ये होती है कि वो सब्र करना जानते हैं। इस दफा तो शरीफ और जरदारी ज्यादा खुशनसीब निकले हैं, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 6 माह के अंदर अंदर उन्हें एक और बड़ा मौका मिल गया अपने खिलाफ मुकदमात खत्म करवाने का। जरदारी साहब वोट दे दें तो जाली अकाउंट्स के 40 अरब रुपए माफ, शरीफ वोट दे दें तो दुनिया के 5 बड़े आजमों में फैली तमाम जायदादें उनकी हुई। वही बात के रंध के रंध रहे हाथ से जन्नत ना गई, क्या फर्क पड़ता है, फिर दाव लगेगा तो फिर यही तरामीम करा लेंगे, पहले मुकदमात तो खत्म कराएं जो अरबों के स्कैंडल्स में इन्हें सेटल करें। कल को ये सब कुछ रात के अंधेरे में सेटल करने के बाद मीडिया को आकर बताएंगे कि देखा हमारे खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। पूरी कौम भी इन्हीं सियासतदानों की हमनवा हो जाएगी कि देखा मीडिया झूठ बोलता है।
ये कोई नहीं देखेगा कि कितनी खुफिया मुलाकातों और लेन देन के बाद ये सब कुछ तय हुआ है। सब कुछ अवाम की जेब से लूटा और वही अवाम उनकी बेगुनाही के नारे लगाएंगे और उल्टा मीडिया पर पल पड़ेंगे। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इन हुक्मरानों और सियासतदानों पर कायम करप्शन के मुकदमात में उन्हें सजा क्यों नहीं होती और मुकदमात लटकते क्यों रहते हैं। ये मुकदमात बारगेन चुप के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जो जरा पर पुर्जे निकालने की कोशिश करता है, मुकदमा तैयार। अगर उनकी मर्जी का रक्स करने पर तैयार हो जाए तो फौरन डील तैयार। और वही लोग अंदर खाते डील करने के बाद विक्ट्री निशान बनाकर बड़े फखर से अगले रोज टीवी चैनल्स पर मुंह चढ़ा रहे होते हैं कि क्या कर लिया, क्या साबित हुआ। उन्हें पता है जिन्होंने साबित करना था वही तो डील करके जेल से निकाल कर बाहर लाए हैं। अगर सियासतदानों ने हुक्मरानी की जिम्मेदारी को दिल से समझा होता और उसके बोझ की नौइयत को जाना होता तो आज उनके बाजू मरोड़ कर उनसे अपनी मर्जी की तरामीम ना कराई जा रही होती। ये 18वीं तरमीम के फवायद सूबों में निचले लेवल पर ले जाकर आम लोगों की जिंदगियां बदलते तो आज ये अवाम इस तरमीम की मुहाफिज बन जाती। लेकिन इस तरमीम को माल बनाने और जाती बादशाहत के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए जब 18वीं तरमीम पर पुराना लेन देन शुरू हो रहा है तो एक भी बंदे को दिलचस्पी नहीं और ना ही पता है कि ये 18वीं तरमीम किस बला का नाम है और इस पर ये ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है, क्योंकि लोगों तक इस तरमीम के असरात इन 10 वर्षों में नहीं पहुंचे। बहरहाल हर किसी को इस खेल में कुछ ना कुछ दरकार है और सब अपने जाती मफादात के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जो कल तक 18वीं तरमीम के हक में थे, आज वो इक्तदार में पहुंचकर इस तरमीम को खत्म करने के लिए खुफिया डील पर काम कर रहे हैं। क्योंकि हुक्मरान जमात से ऊपर जो अशराफिया बैठी है, जो बकौल इमरान खान साहब उनकी मर्जी के बगैर लॉकडाउन लगा देती है, वो यही चाहती है, क्योंकि उसे लगता है इस तरमीम से फेडरेशन कमजोर हुई है या यूं कह लें कि इस ताकतवर अशराफिया का अपना कंट्रोल कमजोर हुआ है। वो 10 साल बाद अपना कंट्रोल वापस चाहते हैं, चाहे प्यार से कुछ दे दिलाकर या बाजू मरोड़ कर। इक्तदार के ऊंट में से हर एक को पाव भर गोश्त चाहिए। अब पूरा ऊंट जिबा हो या आधा, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। सियासी पार्टियां भी लोमड़ी की तरह ऊंट की लटकती लंबी जबान के नीचे गिरने का इंतजार कर रही हैं ताकि वो इसे चबा सकें। अब आप कहेंगे ऊंट की जुबान तो नहीं गिरेगी। मेरा ख्याल है आप शायद रिवायती ऊंट और लोमड़ी की कहानी पढ़े बैठे हैं। पाकिस्तान में इस ऊंट की जबान वाकई गिरती है और लोमड़ियां इस जबान पर लिपक पड़ती हैं। पाकिस्तान में जहां जमहूरियत से लेकर हुक्मरानी, हुक्मरान, सियासतदान और अशराफिया सब कुछ निराला है, यहां के ऊंट उनकी लटकती जबानें और लोमड़ियां भी निराली हैं। जो काम किस्सा कहानियों में सदियों से नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है और असल में ही होता है। आप देखते जाएं, लेन देन का खेल शुरू हो चुका। अपनी अपनी किस्मत की बात है कि 6 माह के अंदर इन सियासी लोमड़ियों को एक दफा फिर एक तरमीमी ऊंट मिल गया है और उसकी जबान भी एक दफा फिर लटकी हुई है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।